दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ आज हमने सुधार सभा नवाब का बेड़ा ट्रांबे स्टेशन क्षेत्र का जो कर्फ्यू क्षेत्र है लोगों के घर जा जाके और बाहर जाके उन लोगों को मोबाइल पे फोन करके उन लोगों को बुला के और डोर टू डोर वितरण कर रहे हैं आटा क्या क्या बात है फ्री आटा और दाल चने कितनी कितनी बात है एक मेंबर को 10 किलो आटा है और एक कार्ड पे 1 किलो चने की दाल है फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं फ्री ऑफ बांट रहे हैं जिला रसद विभाग जिला DSO साहब के आदेश अनुसार बांट रहे हैं नहीं कब तक बांटेंगे ये सब पूरे महीने तक बटेंगे हमारे कर्फ्यू इलाके में कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र आपका नाम माधव दास हाँ हम लोग डोर टू डोर राशन ये आटा वितरण कर रहे हैं डोर टू डोर जा जाके एक व्यक्ति पे 10 किलो आटा है और एक कार्ड पे 1 किलो चने की दाल है सरकार की मंशा है हम लोग सरकार की सेवा है हम सरकार का बिल्कुल साथ दे रहे हैं हालांकि हमारे यहाँ पे ये 8-9 ये 6-7 वार्ड बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव है फिर भी हम अपनी जान जोखिम डाल के हम लोग यहाँ यहाँ जाके घर घर जाके आटा और चने की दाल बांट रहे हैं कितना बांट रहे हैं एक कार्ड पे अभी 2 बार तो हमने चक्कर लगा दिया 500 किलो बांट दिया और अभी और ये जा रहे हैं ये गाड़ी खड़ी है और हम इसको लेके जा ही रहे हैं जी कौन किसकी ओर जिला रसद अधिकारी की तरफ से सर पहले गेहूँ वितरण करते थे ये राशन की दुकान पर गेहूँ क्या बंद कर दिया आटा कर्फ्यू क्षेत्र के अंदर गेहूँ बंद कर दिया गेहूँ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि यहाँ चक्कियाँ बंद है इसलिए सरकार की मंशा है कि आटा दिया जाए अभी तक कितना बांट दिए हमने 500 किलो बांट दिए 2 चक्कर लगा दिए 1 बार के अंदर हम लोग इसके अंदर 500-600 किलो भर के लेकर जा रहे हैं वैन में और डोर टू डोर जाके सप्लाई कर रहे हैं राशन हम कहाँ जाते हैं राशन कार्ड लेते हैं उसका आधार नंबर लेते हैं और उसको उसमें मशीन पे डालते हैं उपभोक्ता का आधार कार्ड लेते हैं उसको मशीन में डालते हैं उसका आता है जब उसमें OTP आता है वो OTP हमें बताता है उसके बाद हम उसको जैसे अगर एक कार्डधारी में 4 मेंबर है 4 मेंबर के अंदर 40 किलो तो आटा दे रहे हैं और 1 किलो चने की दाल दे रहे हैं आशीष शर्मा जी अब गाड़ी को लाके गाड़ी में रखो हां ये आ जाओ रोड खड़े ना सही है पर